केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस को डाल रहा हूं और मेरा जो वीडियो बनाने का जो तरीका है वह सीक्वेंस है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी का बेस अच्छा हो, क्योंकि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पुराने वीडियोस को देख लीजिए ताकि सीक्वेंस आपको समझ में आए। और हम लोग जो बात कर रहे थे, मैंने हिस्ट्री के जितने भी कंट्री हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन है उन सबको कंप्लीट कर दिया था थ्योरी के बाद। अब हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं और चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस चाहिए इसके पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, तो पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था, हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था इसमें, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करें इनमें से किसका योगदान डेनमार्क के सारे शिक्षा के विकास में नहीं है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन नहीं है का ऑप्शन आपको मिल जाए, आइए पेन ले लेते हैं पहले। तो जब भी आपका नहीं है दिखता है किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया करिए, यानी घेरा बना दिया करिए। जब तक आप घेरा नहीं बनाएंगे ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, हो जाता है, मतलब हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो नहीं है तो नहीं है, तो आर्किबल्ड मैकलरिन नहीं था और थॉमस बाक, ये तो ओलंपिक के जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं आईओसी के, उनका नाम है नील्स बक था। तो मैंने सेम करने की कोशिश में, ताकि कंफ्यूज करने चक्कर में मैंने बना दिए। तो चलिए तो आप ये देख सकते हैं और आसानी से मैंने आपको बता दिए कि कैसे चीजों को ठीक किया जाता है। और ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे आते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब भारत से हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आ गए आपके, तो वो क्वेश्चंस क्या है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि भारत में स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पर अवस्थित है। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि स्पोर्ट म्यूजियम भारत में भी अवस्थित है। जी हाँ, तो ये जो स्थित है वो है पटियाला में, ठीक है, जो NSNIS पटियाला है वहां पे स्पोर्ट्स म्यूजियम भी अवस्थित है, ये बात जान के चलिए। तो आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सारे शिक्षा का जनक एससी बक को कहा जाता है। पहले बात तो ये बच्चे ही नहीं जानते हैं, बच्चों को लगता है कितने आसान क्वेश्चंस आएंगे कि पूछिए मत कि भारत में सारे शिक्षा के जनक कौन है। इतने आसान क्वेश्चन अब आने वाले नहीं है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मैंने किस तरह से, मैंने खुद के क्वेश्चंस बनाए हैं, खुद के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि भारत में सारे शिक्षा का जनक एससी बक को कहा जाता है, परंतु आपको बताना क्वेश्चन देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है कि यह किस खेल के खिलाड़ी है। एससी बक किस खेल के खिलाड़ी है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको कि एससी बक को भारत का सारे शिक्षा का फादर कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे यह है कि ये जो एससी बक है ना, ये मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इंडिया के जनक माने जाते हैं, ठीक है, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। बट आपको बताना है कि एंशियंट में फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कौन थे। एंशियंट यानी प्राचीन की बात हो रही है। तो एससी बक जो थे वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत कम आपको जानने को मिलेंगे, जब तक आप कई सारे बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बहुत जानने को नहीं मिल सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस कमेटी के सुझाव पर LNCPE की स्थापना की गई। तो किस कमेटी ने बोला कि LNCPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक कॉलेज खोला जाए। ऐसी जो सुझाव थी ये किस कमेटी ने दिया था, तो आपको मैं बता देता हूं, अखिल भारतीय ने नहीं दिया था, अखिल भारतीय खेल परिषद का, क्योंकि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं है, अबुल, उस समय वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ताराचंद कमेटी 1948 में बना था, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं, फिर नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 में बना था, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तदर जांच कमेटी मतलब एडॉक इंक्वायरी कमेटी की बात हो रही है, ये 1958 में बना था। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता है, ये डी वाला तो एकदम ही नहीं होगा, 57 में LNCPE बना हुआ है,
तो आप इसको देख सकते हैं। तो एलएनसीपी जो बना हुआ है वो इसमें बना हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, इस सबको हटा के राइट आंसर इसका जो है वो है ताराचंद कमेटी। 1948 में ताराचंद कमेटी के कहने पर ही एलएनसीपीई की स्थापना हुई थी। एलएनसीपी की स्थापना क्यों हुई थी और 1957 में ही क्यों हुई थी, इसके बारे में मैं कुछ पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ थ्योरी वाले पार्ट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया था मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने पूछा था। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है कि नीचे दिए गए संस्थाओं को उनके काल क्रमानुसार लगाइए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले मतलब कौन आया संस्था, बाद में कौन सी संस्था आई। तो इन सब संस्थाओं को क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको ना डेट याद करने पड़ेंगे। तो जब तक आपको डेट याद नहीं होंगे तब तक आप इनको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने डेट याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताया था, वो ट्रिक ये था कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, कमेटीज जो भी फाउंड किए गए हैं फिजिकल एजुकेशन में, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बता दिए हैं कि कैसे उनको याद किया जाता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन इंपॉर्टेंट डेट्स कमेटी को आप लिख लीजिए और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आप घबराइए मत। उसको क्या करिए कि आप सामने लगा लीजिए। जब आप सामने लगा लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप सामने लगा लेंगे ना और बार बार जहां आप पढ़ाई करते हैं उसको देखते रहिए 10 से 15-20 बार, और दिन कम से कम दिन भर में 15 से 20 बार उसको देखिए और उसको रिवाइज करते जाइए। देखिए जब तक इसको, देखिए ये चीज़ें हिस्ट्री वाली जो चीज़ें होती है ना, ये रट्टाफिकेशन वाली होती हैं, इसमें समझने का बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री वाली चीज़ें आपको समझ में, कहानी की तरह आप इसको समझ लीजिए तो आपको समझ। और उसके बाद कम से कम 10 दिन तक ऐसा करिए, जब आप 10 दिन तक ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें सही हो जाएंगी और आपको डेट याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात कर लेते हैं, यानी एनसीसी की बात हो रही है। यहाँ देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का फुल फॉर्म होता है और ये बना था 1948 में। आपको एक बात और बताऊं कि यही एक ऐसी संस्था थी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई है, तो ये एनसीसी बनाई गई थी। नेक्स्ट है नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो इसके लिए हमको डेट याद होना पड़ेगा। ये इसी कमेटी ने क्या किया था, इस कमेटी ने सुझाव दिए थे कि इंडिया में सारी शिक्षा का डिग्री और डिप्लोमा वाले कोर्सेज चलाए जाए। तो ये 1950 में इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे बात कर लेते ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के कहने पर बनाया गया था और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, 1954 में। और एडॉक इंक्वायरी कमेटी, तो एडॉक इंक्वायरी कमेटी 1958 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो 1948, 50, 54, 58। तो अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि कालक्रम के अनुसार इनके काल पहले कौन आया बाद में कौन आया इसके अनुसार सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4। तो ये एकदम सही क्रम है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको देखिए किस तरीके से चीजें आती हैं और किस तरीके से चीजें की जाती हैं। मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैं सिर्फ, और सबसे बड़ी बात है कि बिना पैसे को, लोगों को मन में भ्रम क्या है कि बिना पैसे का कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, जबकि वो लोगों के दिमाग में भ्रम है। लोगों को पैसा देते हैं ना तो उनको ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि पैसा दिए हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है फ्री में नॉलेज देंगे ना, बहुत ज्यादा बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने ये चीज देखा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुशासन योजना, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। तो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का मतलब होता है एनडीएस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बात करेंगे तो इसको एनडीएस कहते हैं। तो एनडीएस जो बना था वो 1954 में, यानी ए का दूसरा। तो ये ए का दूसरा देख लेते हैं किसमें आ रहा है, तो ए का दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं ए में आ रहा है और डी में आ रहा है। तो बी और सी ये दोनों हम काट देंगे और हम दो ऑप्शन को पढ़ के चलेंगे। जब भी आप मैथ और कॉलम वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुंजरू कमेटी। तो कुंजरू कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1959 में। कहाँ हुई थी, 1959 में कुंजरू कमेटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट एडॉक इंक्वायरी कमेटी। तो एडॉक इंक्वायरी कमेटी 1958 में,
यानी सी का चौथा, ठीक है, यहाँ देख लीजिए सी का चौथा, और यहाँ बी में भी आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप जान गए कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही है। फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं, कोल एंड कपूर कमेटी, कोल एंड कपूर कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, मैं एक बार फिर से कंप्लीट कर दे रहा हूं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक। तो देखिए इसी तरीके से कमेटीज के बारे में बार बार पूछे जाते हैं, और यहां से हर एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम डेट को याद कर लीजिए, और हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं कहीं 5 और कहीं कहीं 8 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जो नए पैटर्न के हिसाब से कुछ जो आयोग हैं, जैसे NVS है, नवोदय है, और केंद्रीय विद्यालय है, और DSSSB है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री से 2 या 3 ही पूछे जाते हैं। जबकि राजस्थान की बात करते हैं और बात करते हैं UP DDT की, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको रट लीजिए, ये बहुत जरूरी है, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने पूरी थ्योरी मेरे देख ली और पूरे मेरे कॉन्सेप्ट को देख लिया। आगे आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, अखिल भारतीय खेल कांग्रेस कमेटी, तो आपने भी इससे पहले स्पोर्ट्स कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कांग्रेस कमेटी, इसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते होंगे। ये ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 में, ठीक है। तो ये सब याद करने वाले हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैं, थोड़ी सी आपको क्वेश्चन हट के पूछेगा इस बार, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आप चीजों को बनाइए और मेहनत से चलिए। आगे बात कर लेते हैं, नीचे दिए गए भारत में आजादी से पहले स्थापित किए गए संस्थाओं को उनके कालक्रम अनुसार लगाइए, अटैच यानी अरेंज द इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया एज पर देयर कॉल गिवेन, कॉल मतलब कि एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदिवली मुंबई, कांदिवली मुंबई का नाम आपने सुना होगा। तो ये जितने संस्थाएं यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये सारे संस्थाएं आजादी से पहले भारत में बनाए गए थे, उनके दिए गए हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन कांदिवली मुंबई, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1938 में हुई थी, 1938 में हुई थी। और आगे बात कर लेते हैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, तो सब जानते हैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1932 में, और आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से मैं BPED किया हूँ 2012 के बैच में। आगे बात कर लेते हैं राजकीय कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, हैदराबाद कॉलेज की स्थापना हुई थी 1931 में। राजकीय कॉलेज रामपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये सारे जो आपको मैं डेट बता रहा हूँ ना, ये डेट मैंने थ्योरी वाले पार्ट में सेक्शन में पढ़ा दिया ऑलरेडी, इसीलिए जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, और आप इनको क्वेश्चन इनका आंसर देने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्रम बनेगा क्या बनेगा, 3, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को लीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका कंप्लीट हो गया और आप इसको देख लेंगे, ये आपका एकदम सही है और एकदम सही है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है, थ्योरी के कुछ और एक दो लेक्चर और बचे हुए हैं, एक दो लेक्चर में सारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ आपके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग के पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, और यकीन मानिए ऐसी स्पोर्ट ट्रेनिंग आपको पढ़ा दूंगा ना कि आप भी कहेंगे कि सर एकदम मजा आ गया आपको, बहुत मजे, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट ट्रेनिंग से, स्पोर्ट साइकोलॉजी से, अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं DSSSB वाले और नवोदय विद्यालय वाले और केंद्रीय विद्यालय वाले, वो सब स्पोर्ट ट्रेनिंग को ज्यादा फोकस करते हैं, स्पोर्ट साइकोलॉजी को ज्यादा फोकस करते हैं, और हेल्थ एजुकेशन को ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं ना, मुझे पता है कि किस आयोग ने किस क्वेश्चंस पर ज्यादा, वहां के एग्जामिनर जो होते हैं, पेपर सेट करने वाले होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो किस पर ज्यादा फोकस करते हैं, किस टॉपिक पे, फिजिकल एजुकेशन के। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।